कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के प्रयत्नों से हम ये कह सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों में यहाँ के किसानों ने काफी परिवर्तन किया है और डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर जिसको कहते हैं कि अलग अलग फसलों पर हम गए, नई नई किस्मों पर गए और उसका कारण ये रहा कि हमें भोजन के लिए सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ा। हमारे यहाँ का गरीब से गरीब किसान भी चित्रकूट जनपद का था, किसान कही हुई बात का कम विश्वास करता है, देखी हुई बात का ज़्यादा विश्वास करता है। इसलिए कृषि विज्ञान केंद्र फसल दिवस आयोजित करते हैं, जहाँ अलग अलग फसलें वो तैयार करते हैं, वहाँ पर किसानों को ले जाके दिखाते हैं कि भाई ये फसल इस किसान ने तैयार की है, इस ढंग से तैयार की है, तो दूसरे साल तीसरे साल में बाकी किसान भी करना शुरू कर देते हैं। अभी हम कृषि विभाग के अधिकारियों को यही अनुरोध कर रहे थे कि प्रशिक्षण के लिए जो समय लगाया है अच्छा है, लेकिन अगर इनको प्रत्यक्ष दिखाएंगे तो ये और ज़्यादा अच्छे सीखेंगे। और जब देश भर के लोग आके यहाँ सीख रहे हैं मझगवा जाके, तो अपने लिए तो 50 किलोमीटर दूर ही जाना है और यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के आयुक्त महोदय उसके लिए अनुमति भी दे देंगे, क्योंकि वो देश भर में ऐसा बड़ा काम हुआ था जिसको महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, अलग अलग जगहों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जो वैज्ञानिक लोग हैं सब देखे हैं जा करके, और उसमें विशेष कुछ नहीं हुआ, केवल गांव वालों ने उनकी पहल और पुरुषार्थ के आधार पर, उनके अपने प्रयत्नों के आधार पर थोड़े पैसे में अच्छा काम कर दिया, क्योंकि उनसे पूछा गया कि कहाँ पानी बहता है, बह के कहाँ जाता है, कहाँ रोका जा सकता है, कितना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, तो बिना सीमेंट के, बिना लोहा के इतना बड़ा काम वहाँ पर हुआ। अपने यहाँ पर भी हो सकता है, जो हम प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो योजनाएँ हैं उनका लाभ हम ले सकते हैं। हम लोगों को 2003-04 में देश भर में वाटर शेड काम करने का अवसर, प्रशिक्षण करने का अवसर, परियोजना बनवाने का अवसर ये मिला, जो भारत की गाइडलाइन बनी हरियाली की उसमें काम करने का अवसर मिला, बनाने का अवसर मिला। तो जो मझगवा के अनुभव थे उसी के आधार पर देश में योजना आयोग में भी और ग्रामीण विकास मंत्रालय में भी दीनदयाल शोध संस्थान के जो विशेषज्ञ थे उनको अपनी बात रखने का, उसके आधार पर योजना बनवाने का अवसर मिला। और इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास में समीप में चीज़ें हैं, उनको हम देख करके ठीक कर सकते हैं, चाहे उसमें फलों की खेती के बारे में हो, सब्जी मसाले की खेती के बारे में हो, अनाज दलहन तिलहन के बारे में हो, किसी के भी बारे में हो, जिसके लिए हमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या किसी बड़े संस्थान में जाने की आवश्यकता नहीं है। छोटे से जगह में अगर हम गनीवा और मझगवा दोनों स्थानों पर विजिट कर लेते हैं तो अपने आप से हमें ध्यान में आ जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। आप वहाँ देखेंगे तो पूरे पत्थर में अमरूद की खेती बहुत जबरदस्त हुई है, केवल पत्थर का इलाका है। जिनको देखना है वो जाकर के मझगवा में देख सकते हैं। गनीवा से प्रयत्न चल ही रहा है, कृषि विभाग के प्रयत्न सरकार के अपने चलते ही हैं। प्रशिक्षण इसलिए होते हैं कि उसके द्वारा योजनाओं की जानकारी मिले, और हमारे कृषि विभाग के अधिकारी अगर आपको लाभ पहुंचाना चाहते हैं इसी भावना से वो यहाँ लेकर के आए हैं, तो अगर वास्तव में उन योजनाओं को ठीक प्रकार से आप तक पहुंचाएंगे और उनके कुछ तकनीकी कठिनाइयों में अगर कुछ आवश्यकता होगी तो हम लोग निश्चित रूप से उसमें सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।